हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है रुलखन यूनिवर्सिटी से, एफिलेटेड कॉलेजेस में प्राइवेट कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है इस साल से प्राइवेट कोर्स जो हैं वो आपके बंद हो जाएं, ऐसी जो खबर है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप भी प्राइवेट कोर्स करने की सोच रहे हैं तो इस समय जो प्राइवेट कोर्स हैं वो रुलखन यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेट कोर्स का कोई प्रावधान ही नहीं है, जिस वजह से यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट कोर्स को बंद कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जानकारी मिल जाए कि प्राइवेट कोर्स जो है वो बंद हो सकते हैं। लेकिन इसके स्थान पर एक नया कोर्स लॉन्च किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको पता ही होगा, नैक की तरफ से अभी हाल ही में रुलखन विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड जो है वो मिल चुका है। तो अब रुलखंड विश्वविद्यालय एक नए कोर्स को स्टार्ट कर सकता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, अब दूरस्थ शिक्षा केंद्र भी चलाएगा रुलखंड विश्वविद्यालय, जिससे जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कोर्स करना चाहते हैं वो इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए झटका लग सकता है जो प्राइवेट कोर्स करना चाह रहे थे। A++ ग्रेड मिलने के बाद डिस्टेंस लर्निंग मोड से भी अब पढ़ाई हो सकेगी रुलखंड विश्वविद्यालय में। स्नातक, प्रस्नातक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कोर्स जो है वो यहाँ पर शुरू होंगे। आप देख लीजिए, आप वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिए, तभी सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। जो स्टूडेंट्स बीच में छोड़कर भाग जाते हैं या कमेंट मारकर भाग जाते हैं, फिर वो भाग ही जाते हैं, फिर उन्हें कुछ मिलता नहीं है। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्लॉग चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, सारी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, रुलखंड विश्वविद्यालय प्रदेश की ऐसी पहली स्टेट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जो रेगुलर के साथ डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी पढ़ाई कराएगी। ठीक है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नेम अभी नीचे आपको देखने के लिए मिलने वाला है, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। वो डायरेक्टली केवल ओपन यूनिवर्सिटी है तो यहाँ वहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ही चलाए जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस मोड में ही कोर्स कराए जाते हैं, वहाँ पर रेगुलर कोर्स नहीं होते हैं। लेकिन रुलखंड विश्वविद्यालय MJPRU अपना रुलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, जिसमें रेगुलर कोर्स भी होंगे प्लस डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी आपके जो कोर्स हैं वो संचालित किए जाएंगे। डिस्टेंस लर्निंग कोर्स किस तरह से होते हैं, सेम टू सेम प्राइवेट कोर्स की तरह ही होते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन के तहत स्नातक, प्रस्नातक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाएंगे आपको, जिसका जो लाभ पाठ्यक्रम है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तय किया जाएगा। नैक का A++ ग्रेड प्राप्त होने के बाद रुलखंड विश्वविद्यालय जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन की तैयारी में जुट गया है। अभी कुछ दिन पहले भी इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि रुलखंड विश्वविद्यालय से डिस्टेंस लर्निंग जो पाठ्यक्रम है वो स्टार्ट हो सकते हैं और ऐसे में प्राइवेट कोर्स को बंद किया जा सकता है। अभी आगे पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। नैक का A++ ग्रेड, ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बताई दी थी। डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर शुरू करने की जो कागजी कार्यवाही है वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। दरअसल नई शिक्षा नीति में प्राइवेट पढ़ाई का कोई वजूद नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जब प्राइवेट पढ़ाई का कोई वजूद नहीं है तो प्राइवेट फॉर्म आप फिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है। विश्वविद्यालय जल्द से जल्द प्राइवेट फॉर्म प्रक्रिया समाप्त करने की तैयारी में। ओ भाई, ये क्या हो गया, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या बता रहे हैं, विश्वविद्यालय मतलब आपके जो यूनिवर्सिटी है रुलखंड विश्वविद्यालय, वो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके प्राइवेट फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जो प्राइवेट फॉर्म है वो बंद हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अभी जो नए फॉर्म फिल किए जाएंगे दिसंबर में और जनवरी में, हो सकता है उसमें प्राइवेट फॉर्म आपके फिल ना किए जाएँ। जो छात्र प्राइवेट फॉर्म भरते थे उनके लिए क्या होगा, डिस्टेंस एजुकेशन मोड लाभकारी साबित होगा। बहरहाल विश्वविद्यालय जल्द से जल्द अमल में लाने का प्रयास कर रहा है डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रम को। और उत्तर प्रदेश में इस समय क्या है, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो लंबे समय से डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है। रुलखंड विश्वविद्यालय जो है वो उसी तरह से, जिस तरह से राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही अपने कोर्स को डिज़ाइन करेगा, रेगुलर कोर्स की तुलना में डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स 30 से 50% तक कम होंगे। उसके लिए जल्द ही पाठ्यक्रम समितियों का जो गठन है वो कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। ये पूरी अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और विश्वविद्यालय शुरू करेगा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ये तो आपको पता चल ही चुका है। बाकी इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हर स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके और सभी स्टूडेंट्स इस बात से परिचित हो सकें पहले से पहले, ताकि बाद में कोई स्टूडेंट्स ये ना कहे, अरे हमें तो पता ही नहीं चला, अरे हमें तो पता ही नहीं चला।
15 अगस्त के बाद होगी अग्रिम प्रक्रिया। मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित सिंह ने कह दिया कि प्राइवेट फॉर्म के लिए विकल्प के तौर पर डिस्टेंस एजुकेशन शुरू होनी है। विश्वविद्यालय ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है। 15 अगस्त के बाद संबंध में आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही। तो दोस्तों इसी तरह की हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।